एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ मीशो की ज्वेलरी हॉल। रिव्यू करूंगी मैं सारे प्रोडक्ट्स को। अंडर 500 में ही सारे होंगे, बट बहुत ज्यादा अच्छे हैं। अभी फेस्टिवल स्टार्ट होने वाला है, नवरात्रि, दिवाली, करवा चौथ, आप उसे किसी में भी पेयर कर सकते हैं। इवन अब वेडिंग्स भी स्टार्ट होने वाली हैं, तो आप उसमें भी इन्हें पहन सकते हो स्टाइलिश तरीके से। बट इफ यू हैवन सब्सक्राइब टू माई चैनल, तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स मीन अलॉट फॉर मी। ऑल्सो हिट द नोटिफिकेशन बेल। विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा फर्स्ट नेकलेस जो है वो ये है, मराठी नेकलेस। इसमें हमें पहले टॉप्स दिया हुआ है, फिर ये नोजपिन दी हुई है, और फिर नोजपिन आप देख सकते हो, इसमें हल्का सा पिंक स्टोन दिया हुआ है, और ये है नेकलेस। नेकलेस बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, अफोर्डेबल है, और काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। देख सकते हो आप, ऐसे ऐसे मोती मोती ढेर सारा लगा हुआ है। एडजस्ट करने के लिए आपको ये बहुत अच्छा वाला दिया हुआ है। तो मैंने इसे इस लुक में पहना हुआ था, आपने लुक देखा कि नहीं, लिंक मैं डाल दूँगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर चेक करिएगा। तो ये वाली ज्वेलरी बहुत ही ज़्यादा प्यारी है, बट इसे आपको बहुत सेफली रखना पड़ेगा, यू नो, अच्छे से सिक्योर करके, प्लास्टिक में रैप करके। तो बहुत ही प्यारी वाली ज्वेलरी है। उसके बाद फिर ये फ्लावर वाली ज्वेलरी है, राधा कृष्णा वाली ज्वेलरी, जिसे मैंने अभी राधा कृष्णा वाला जो वीडियो किया था उसमें मैंने पहना हुआ था ये फ्लावर वाली ज्वेलरी। बहुत ज़्यादा अच्छी है, टू क्यूट क्यूट से इसमें ईयरिंग्स हैं, और ये है मांग टीका। इसमें साइड साइड से चैन दिए हुए हैं, इसे आप हुक कर सकते हो बालों में अपने, और बहुत ही प्यारा है, बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल है। और इसके फ्लावर्स की जो मैं क्वालिटी की बात करूँ, बहुत ही ज़्यादा अच्छा सॉफ्ट वाला है, आप देख सकते हो। नेकलेस भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, और ये मैंने इसे पहना हुआ था। ये वीडियो देखा कि नहीं आप लोगों ने, देखिएगा ज़रूर, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। नेक्स्ट जो है वो हमारा ये है, इस तरह के प्लास्टिक बॉक्स में आया हुआ है। टू नेकलेस है इसमें सेट है, और एक झुमकी वाला इयररिंग है, बहुत ही प्यारा वाला है ये भी। इसमें चंकीनेस नहीं है, येलो में बहुत ज़्यादा चंकी नहीं है। ये झुमकियाँ देखिए कितनी क्यूट सी हैं, बहुत ही ज़्यादा प्यारा सा है ये। एडजस्ट करने वाला बहुत ज़्यादा अच्छे से दिया हुआ है। फिनिशिंग बहुत ज़्यादा अच्छी है। पेंडेंट में ग्रीन कलर दिया हुआ है और रेड दोनों ही दिए हुए हैं पेंडेंट का, आप देख सकते हो। ऐसी सी डिज़ाइन दी हुई है, बहुत ज़्यादा चंकी पार्टिकल्स नहीं है इसमें, बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है। और ये झुमकी देखिए आप, झुमकी की फिनिशिंग बहुत अच्छी है, क्यूट क्यूट सी, आप इसे सिंगली भी पहन सकते हो। इसे मैंने रुक्मिणी वाले मेकअप लुक में किया था, मेकअप लुक आप लोग देखा कि नहीं, अगर नहीं देखा तो लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। बहुत ही प्यारा ये लग रहा था पहनने के बाद, आप देख सकते हो, मतलब बहुत अच्छा लग रहा है। फेस्टिव के लिए, वेडिंग के लिए बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल और बहुत ही ज़्यादा अच्छा वाला है। तो देख ही रहे हो आप जैसा कि कितना प्यारा लग रहा है फेस्टिव्स में। नेक्स्ट हमारा ये है, चोकर सेट है, मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा ही अफोर्डेबल। इसकी इयररिंग्स देख लीजिए कितनी क्यूट सी हैं, और इसमें जो ये पर्ल्स दिए हुए हैं बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, पर्ल्स का कलर नहीं निकलेगा। फिर साइड में ऐसे लगा हुआ है एडजस्ट करने के लिए हमें दिया हुआ है, जो वो भी काफ़ी अच्छा वाला है। और इसकी फिनिशिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छी है, ये नहीं है कि अफोर्डेबल है तो बहुत ज़्यादा बेकार सा है, ऐसा नहीं है। सिर्फ ये 170 रुपीज़ का था, और ये उसके हिसाब से बहुत ज़्यादा है, बेस्ट 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 है। तो इसमें आप लोग ज़रूर से ज़रूर इन्वेस्ट कीजिएगा, देख लीजिए कितने ज़्यादा क्यूट लग रहे हैं ये। आप एक नेकलेस बस चोकर वाला ये डाल लीजिए, आप खुद में ही कम्प्लीट लुक लगेगा आपका। इसे मैंने हीर का इंस्पायर्ड मेकअप लुक जो किया था उसमें मैंने पहना हुआ था। इवन मैंने नवरात्रि का दुर्गा पूजा लुक जो किया था उसमें मैंने इसे पेयर किया था, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था, आप देख लीजिए। वो वाले क्लिप तो नहीं है मेरे पास, बट ये वाली मेरे पास थी, तो मैंने ये वाला लुक भी बहुत अच्छा वाला टर्नआउट हुआ था। आप लोगों ने देखा कि नहीं, चेक नहीं किया तो प्लीज़ यार जाओ चेक करो, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो देख सकते हो आप कितना प्यारा वाला लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल है। मीशो पे इतनी प्यारी प्यारी ज्वेलरी और इतनी अफोर्डेबल रेंज में मिलती हैं कि देखने के बाद हाय मन करता है कि ले ही लो यार। तो नेक्स्ट ज्वेलरी की तरफ हम अपने बढ़ते हैं, बट उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, इट्स मीन अलॉट फॉर मी। तो देख सकते हो कितनी प्यारी वाली पिक थी, मैंने सोचा लगा ही देते हैं। नेक्स्ट फिर ये हमारा फ्लावर ज्वेलरी, अभी वेडिंग सीजन स्टार्ट होने वाले हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। ईयरिंग्स देख सकते हो आप, क्यूट क्यूट सी ईयरिंग्स हैं, बहुत ही प्यारा रेड और येलो का कॉम्बिनेशन है। इसमें कंगन भी दिया हुआ है, कंगन की क्वालिटी आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छी वाली है। नेकलेस में ये पर्ल्स दिए हुए हैं, जो पर्ल्स की क्वालिटी बहुत अच्छी है। मैंने इसे बहुत कई महीनों पहले लिया था वैसे का, बट इसका कलर बिल्कुल भी नहीं गया। बस आपको अच्छे से रखना होता है, बहुत अच्छे से ही रहता है। फिर वो बहुत ही ज़्यादा प्यारा वाला और बहुत ही अफोर्डेबल था, आई थिंक 300 में था ये। 300 में कंगन भी मिल रहा है और पूरा अच्छे से मिल रहा है सेट, तो ये बहुत ही अच्छी वाली बात है।
मांग टीका इसका बहुत प्यारा है, बैंगल इसके बहुत अच्छे हैं, देख सकते हो आप। इसे मैंने पहना था राधा कृष्णा की ज्वेलरी में। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हो ये वाला, ये तो मुझे बहुत क्यूट लगा यार। इसे आप मेहंदी फंक्शन में पहन सकते हो, ब्राइड भी पहन सकती है, ब्राइड के सिस्टर भी पहन सकती है, कोई भी पहन सकती है। इसके पर्स देखिए बहुत ज़्यादा अच्छे वाले हैं। गोटा पत्ती का इसमें पेंडेंट लगाया हुआ है, टोटल आई थिंक 5 पेंडेंट हैं इसमें। हाँ 5 हैं, ऊपर फिर ये एडजस्ट करने के लिए दिया हुआ। ये एक लॉन्ग टाइप का है, बट आप इसे पहन लोगे तो ये बिल्कुल मेड ऑफ नेक में रहेगा, ना इसमें लॉन्ग की ज़रूरत होगी ना शॉर्ट की होगी। मांग टीका आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा अच्छा वाला है। इयररिंग्स भी क्यूट क्यूट सी हैं, बहुत ही प्यारा वाला ये ज्वेलरी सेट है। आप देखिएगा ज़रूर, इसको लीजिएगा ज़रूर, बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। फिर ये है एक नोज पिन, इसे मैंने रुकमणी वाले लुक में पहना हुआ था, आप लोगों ने देखा हो तो। नोज पिन बहुत अच्छी है, बट इसके साथ ये जो दिया हुआ है हुक करने के लिए, ये लड़ी टाइप की, ये मुझे थोड़ी कम अच्छी लगी थी। फिर मैंने अपना ये एक आइडिया लगाया, मेरे पास पुराना पड़ा हुआ था, मैंने इसके साथ उसके इसको इस उसी में जोड़ दिया था, जो यहाँ पर देखिए बना हुआ हुक टाइप का, उसी में मैंने इसे लगा दिया था। और ये देखिए कितना प्यारा सा हो गया, ये बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लगा था उसके बाद, पहनने के बाद बहुत अच्छा लग रहा था। मैं डेफिनेटली शेयर करूँगी इसे ऐसे पहन करके। सो ये थी मेरी ज्वेलरी हॉल, कैसी लगी आपको? अगर आपको कोई चीज़ लेना है तो आप उसे कमेंट में कर दीजिए, कोड को शेयर कर दीजिएगा, मैं आपके साथ जरूर से ज़रूर शेयर करूँगी। और अगर आपको मैं रिव्यू अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।